मोदी सरकार वालों जारी किए गए खेती संबंधी कानूनों के विरोध में पंजाब भर में धरने लगाए जा रहे हैं। इस संबंधी फगवाड़ा के भी अज किसानों ने केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश की कोठी के अगे धरना प्रदर्शन किया कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तद तक ये संघर्ष लगातार जारी रहे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जे सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेंदी तो 7 तरीक न पूरे पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां अपनी मीटिंग करनगियां अते अगों उस लई संघर्ष वास्ते रणनीति तैयार करनगियां। फगवाड़ा तो गुरमीत सिंह टिंकू की रिपोर्ट। हाँ जी सानी साहब, अज तुसी जिहड़ा केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश के निवास स्थान से धरना प्रदर्शन करने आए हैं तो की लगता तुहानू बीजेपी ने तुहाडे नाल हुण तक कोई गलबात की है? बीजेपी के जिहड़े अनऑफिशियल बंदे पार्टी के बंदे वो साडे नाल यतन कर रहे हैं किसान जथेबंदियों के आगू ना पिछले 2 दिन तो कि आओ थोड़ी असीं गल करते हैं। साडा किसान जथेबंदियों का फैसला कि जिहड़ी भारत सरकार है जिहड़े ये बिल पास किए कानून बने भारत सरकार ने किए आ किसान जथेबंदियों ने जे गल करनी है जे ऑफिशियल तौर पर जिन्हों को संविधानक अहुदा भारत सरकार में असी उस तो सवाए किसी ना थले पार्टी लैवल से वर्कर ना गल नहीं करांगे। तो जे गल करिए किसानी दी, किसान पिछले काफ़ी दिनों तो सड़कों पर रुड़ रहा तो की यह मंत्री होने के नाते तुहाडे नाल किसे तरह की सेंटर जो तुहाडी गल नहीं पहुँचाई गई? केंद्र सरकार की सारी जिम्मेवारी उन्होंने अणगहली वरती है कि लगातार पिछले तो 2-3 महीने तो किसान संघर्ष करता लेकिन सरकार ने समझिया सी कि असीं इहनूं जोर नाल करोना की हाड़ आड़ हेठ दबा लांगे पर समुचे देश का किसान पंजाब के किसान ने साबित कर दिता कि जे कोई किसानी पर संकट आया समुची किसानी मजदूर दुकानदार व्यापारी आढ़ती वर्ग सारे भाईचारे किसानों के पिट से खड़े ने क्योंकि यदा जो ऑर्डिनेंस का असर आ समुची पंजाब की आर्थिकता से पैना मजदूर पर पैना किसानों पर पैना आढ़ती वर्ग पर पैना दुकानदार वर्ग पर पैना इस करके जरा समुचा पंजाब का वासी है वो साढ़े अंदोलन को भरपूर समर्थन दे रहा सहयोग दे रहा जो साडा अंदोलन है लगातार जारी रहेगा जिन्ना चर सरकार इन्हों फैसलों वापस लैन का जिस तरह अकाली दल वालों बीबी वालों उतों केंद्र के अपने अहदे तो अस्तीफा देता है तो की लगता तुम्हें अपने बीजेपी तो भी अपना अहदे तो अस्तीफा दोगे? देखो जो सियासी पार्टियां उन्होंने फैसले सियासत को मुख रख के ले जाते हैं चंगा होंगे जो ऑर्डिनेंस कैबिनेट के पास होए आ जो सरकार को पहुंचे आ इहदा सही संकेत जांदा हो सकता जे उदों विरोध करदे किसानों की एनर्जी इन्नी वेस्ट ना होंदी किसानों नूं सड़कां ते ना रोलना पैंदा हुण तां इह सियासी फैसला कह सकते हैं किसानों की हमदर्दी तौर जिस तरह ऑर्डिनेंस पास हो चुका है सब कुछ हो चुका है तुहाडा अगला स्टेप की होएगा? अगला स्टेप साडा संघर्ष जारी है जी 7 तरीक नूं साडी फिर मीटिंग आ उत्तरी भारत के सारे राज्यों दी किसान जथेबंदियां दी जे सरकार किसानों की गल नूं नहीं सुणदी इह संघर्ष होर विशाल होएगा देश के बाकी राज्यों च भी फैलेगा उन्ना चिर जारी रहेगा जिन्ना चिर सरकार इन्होंने फैसलों को वापस लैन का या बदलने का किसानों की गल सुन का ऐलान नहीं करती। तो अज का धरना तो जो कोठी दे मेन रोड पर लगाया गया कितनी देर तक चलेगा? संकेतक रोस धरना जी अच्छा अभी संकेतक रूप जाए हैं जिन्हें जिते साढ़े रेलवे स्टेशन फ्लोर जाया करेंगे वो सारे निरंतर इतने विरोध प्रदर्शन करके सवेरे हर हालत में इतने जाया करेंगे जे सरकार ने गल ना सुनी तो इतने पक्का घराओ कर पक्का मोर्चा लाने बारे भी विचार सारिया जथेबंदियां कर रही जी। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।